नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। तमाम न्यूज़, तमाम खबरें मैं आपको दिखाता रहता हूं, लेकिन आज बहुत ही बड़ी शख्सियत मेरे साथ है। आपने शैलेंद्र जी का नाम सुना होगा और कुछ गाने भी मैं आपको बताता हूं। आवारा हूं, बहुत फेमस गाना था उस समय का, अपने समय का उस बहुत फेमस गाना था और अभी भी उसको तमाम विदेशों में भी इसको गाना गाया जाता है। और उन्हीं के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, दिनेश शैलेंद्र जी। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसी शख्सियत थे शैलेंद्र जी? बहुत, हमने तो सिर्फ 10 साल बिताए उनके साथ, लेकिन हम सच बताएं तो इतने सिंपल थे और हमारे घर में माहौल भी इतना सिंपल था कि हमें लगता था कि बचपन से ऐसा लगता था कि ये राज कपूर, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, सलील चौधरी, ये शायद सभी के घर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई ख़ास पर्सनैलिटी आई है। और हमारे फादर भी जूहू बीच जाते थे रोज़ सुबह, वहाँ गाने लिखते थे, सुबह के टाइम लिखते थे वो। तो हम लोग बच्चे मतलब उनके साथ निकल जाते थे। हम लोग बालू में खेलते रहते थे बीच पे और वो ऊपर पत्थरों पे बैठ के गाने लिखते थे। उस वक्त तो पता भी नहीं था कि वो मतलब हिस्ट्री इज़ बीइंग क्रिएटेड ओवर देयर। और पर मतलब जिस दिन वो गुजरे उस दिन हमें एक्चुअली पता चला कि वो कितने बड़े आदमी थे। और क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स सब आए थे हमारे घर पे और उनको देखने के लिए इतनी सारी भीड़ बाहर खड़ी थी कि तब लगा कि शायद हमारे फादर कोई बड़े आदमी रहे होंगे। फिर अगले दिन जब न्यूज़पेपर खोल के देखा तो उनकी फ़ोटो फ्रंट पेज पे थी, खबर फ्रंट पेज पे थी उनके डेथ की। तो लगा कि जितना हम कल सोच रहे थे उससे और बड़े आदमी थे। फिर कुछ दिन बाद जब स्कूल वापस गए हम, और तो हमारे दोस्तों में कुछ ऐसे अजीब सा हमें लगा। फिर एक दोस्त ने आके कहा कि तुम्हारे फादर बहुत बड़े आदमी थे। हमने बोला क्यों? बोले कि जो, क्योंकि इंडिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच चल रहा था उस वक्त, बोले कमेंट्री, क्योंकि उस वक्त टीवी तो था नहीं तो सिर्फ कमेंट्री सुनते थे, बोले कमेंट्री रोक के तुम्हारे फादर की डेथ की न्यूज़ अनाउंस हुई थी। तो हमको लगा कि जितना हम पहले सोचे थे उससे और भी बड़े इंसान होंगे। और उस दिन के बाद आज तक हर वक्त ऐसा लगता है कि जितना हम कल सोच रहे थे उससे ज़्यादा बड़े थे आज। एक चीज़ और है, अभी अगर हम रूस को देखें तो वहाँ अगर शादियाँ भी होती हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर वो टोन आपने देखा होगा, जो म्यूज़िक एक था, आवारा हूँ, और उसमें जो वो पूरा म्यूज़िक जो है वो आज भी बहुत फेमस है वहाँ पर। अगर हम देखते हैं रूस में तो राज कपूर साहब, शैलेंद्र जी और कुछ एक एक्टर हैं जिनको बहुत प्यार मिलता है। तो क्या ये बातें सच हैं? बिल्कुल सच हैं। और सिर्फ रूस नहीं, चाइना में भी बहुत फेमस है। अभी जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे तो उनकी वाइफ ने नरेंद्र मोदी जी के लिए ये गाना ही गाया था, आवारा हूँ। तो चाइना, रोमानिया, पूरा मतलब ईस्टर्न यूरोप वहाँ फेमस है। और ये टर्की में रीमेक भी हुई थी आवारा 1964 में, आवारे नाम से। वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको फिल्म आवारे नाम से। तो और वो गाने की ट्यून भी सेम रख के वो रीमेक हुई थी टर्किश में। अच्छा दिनेश जी, एक सवाल है, जिस तरीके की शख्सियत शैलेंद्र जी थे और काफ़ी फेमस शख्सियत, देश का गौरव बढ़ाने वाली शख्सियत थे, विदेशों में नाम किया हमारे देश का, क्या कहेंगे इतना सम्मान उनको नहीं मिला यहाँ पर? जिस तरीके के तमाम आप देखते हैं, तमाम छोटे छोटे एक्टर हैं जी, और उनको उतना सम्मान देश की सरकारों ने दिया, लेकिन शैलेंद्र जी को नहीं दिया उतना बड़ा सम्मान। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? क्या चीज़ें जिम्मेवारी रही होंगी इन तमाम चीज़ों के लिए? देखिए, जहाँ तक बाबा का सवाल था, उन्हें मतलब अवार्ड से कोई ख़ास लगाव था नहीं। जब पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड शुरू हुए थे बेस्ट लिरिसिस्ट के, तो लगातार पहले 2 अवार्ड बाबा को ही मिले थे। पहले साल ये मेरा दीवानापन है, यहूदी फिल्म का गाना, और दूसरा था सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, अनाड़ी। तो लगातार 2 अवार्ड मिले थे और उसके बाद कई सालों तक उनको अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड तक नहीं मिला। और एंड में उनके गुजर जाने के बाद ब्रह्मचारी, मैं गाऊँ तुम सो जाओ के लिए उनको फिल्मफेयर अवार्ड, तीसरा अवार्ड मिला था। तो उनको कभी इंटरेस्ट था नहीं। बॉलीवुड ने तो उन्हें सम्मान दिया, लेकिन देश की जो सरकार है, जैसे पद्मश्री है, ये तमाम जो अवार्ड मिलते हैं वो शायद उन्हें नहीं मिला। जी शायद मतलब जिस तरह का माहौल है, शायद इन अवार्ड्स के लिए जो बड़े बड़े जो पद्मा अवार्ड्स हैं या कुछ हैं, इनके लिए शायद लॉबिंग करनी पड़ती है, जो हम लोगों ने कभी की नहीं। और एक और रीज़न हो सकता है, शायद कास्ट की वजह से उनको पीछे रखा गया जानबूझ के। जी जी, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कास्टिज़म है? हाँ, इंडिया में है, लेकिन हमें कभी फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, हमारे जब से हमने अनाउंस किया 2013 में हमने अनाउंस किया था, लेकिन हमारे जितने भी उस टाइम के दोस्त थे वो आज तक वैसे ही मिलते हैं। हम उनके घर पे रहते भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या मतलब किसी भी कास्ट के हों। उन लोग मतलब हमने कभी ऐसा कास्टिज्म, एक ही बार एक थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो उनसे मिलने गए थे हम इधर ही दिल्ली में। तो जब मिले तो वो बहुत अच्छी तरह मिले और उनको हमने किताब भेंट की थी अपनी। वो IAC नाम की एक जगह है जहाँ रूम्स हैं शायद। जी जी जी। उन रूम तो उन्होंने कॉफ़ी और चाय या कॉफ़ी बना के हमको पिलाई भी। लेकिन वो किताब जब देखने लगे तो शायद उसमें उन्होंने पढ़ लिया कास्ट के बारे में। तो जब निकलने लगे तो उन्होंने हाथ मिलाने से मतलब वो हाथ पीछे हट ले लिया। तब हमें एक ही बार ज़िंदगी में हमने ये फेस किया। जी तो बर हमारे जहाँ फ्रेंड्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल टाइम तो काफ़ी हद तक बदल गया है। तो अभी दिनेश शैलेंद्र जी क्या कर रहे हैं? आप अभी मतलब क्या अभी चल रहा है, क्योंकि आप बॉलीवुड से लगातार जुड़े हुए हैं, तो अभी क्या चल रहा है और क्या आने वाला प्लान है सर आपका? अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे मदर ने अपने उनके गुजर जाने के पहले बाबा की सारी डायरीज़ और उनके कुछ टेप्स और ये सारी चीज़ें हमें दी थी रखने के लिए। और उन्हें अब शायद उनको पता होगा कि हम इनका कुछ यूज़ करेंगे, तो उन सबको देख के हमको काफ़ी कुछ उनके बारे में जानकारी और मिली। और प्लस हमने इतने सालों में बहुत उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनके साथ बैठ के घंटों बैठते थे उनके बारे में पता करने के लिए। तो उस वजह से अब जाके हम एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और उनके ऊपर हम बायोपिक बनाना चाहते हैं। ये हमारा मतलब बहुत सालों से एक सपना रहा है कि उनके ऊपर एक बायोपिक। जी तो ये दिनेश शैलेंद्र जी थे। जी, मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश शैलेंद्र जी मेरे साथ मौजूद थे। और अभी दिनेश शैलेंद्र जी एक बायोपिक बनाने वाले हैं शैलेंद्र जी के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया था और बॉलीवुड के इतने बड़े मुकाम पे वो पहुंचे। कई सारे फिल्मफेयर अवार्ड भी उन्होंने जीते और आपको बता दूं मैं, देश ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम आज भी लिया जाता है तमाम जगह। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया।